यीशु मसीह के नाम से सब पूजे मसीह की लगातार हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोग अध्ययन करने के समय आवाज हो रहा था जिसके चलते रोकना पड़ा, फिर मैं उसको कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करके मैं वीडियो डाउनलोड भी कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अंदर जब डालेगी उस समय हमारा जीवन में कैसे कैसे बदलाव आएगा, क्या होगा करके मैंने पिछले सप्ताह की वचन के द्वारा आप लोगों को हम अध्ययन किए थे। बाकी का भी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं कि आज भी उसी पवित्र आत्मा के विषय में कि आज हम लोग अन्य भाषा के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। हालेलुया, अन्य भाषा हम लोग बात करते हैं, कितने लोग आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन अन्य भाषा जिस दिन हम पवित्र आत्मा जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन परमेश्वर हमारे लिए एक तोहफा के समान हमारे लिए वो क्या कर दिया है, उपहार के समान हमारे लिए दे चुका है। हालेलुया, तो इसीलिए दीजिए 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 करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए वो दे दिया है, बस आप लोगों को उसको लेके इस्तेमाल करना आपके हाथ में। हालेलुया, तो इसीलिए बहुत लोग बोलता हूँ मैं कितना साल से कितना महीना से कितना दिन से मांग रहा हूँ मेरे को क्यों नहीं मिलता, परमेश्वर ऑलरेडी दे चुका है पवित्र आत्मा। जिस दिन हम बपतिस्मा लिए हैं पानी और आत्मा के द्वारा हम लोगों को बपतिस्मा मिल चुका है, उसी दिन परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का वरदान भी दे दिया है, बस हमें लेके इस्तेमाल करना हमारे हाथ में। हालेलुया, आज पांच प्रकार की लाभ पांच प्रकार की बेनिफिट्स, जैसे हम अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हैं उसमें पांच प्रकार की बेनिफिट आपके आपसे हम प्रचार करने जा रहे हैं, तो इसीलिए सबको ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर हम सब किसी के साथ आज परमेश्वर उस बातें करे और हम बहुत से सुनेंगे और हमें उसको प्राप्त कर, जो भी सुनते हैं सिर्फ एक कान में सुन के सांझ कान में नहीं छोड़ने पाए बल्कि उसको हम लोग अनुभव करें। हालेलुया, उस प्रार्थना पांच प्रकार की लाभ को हमें हम जब हम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं कि पांच प्रकार की लाभ को आपको बताने जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेरितों को काम दूसरा अध्याय तीन और चार वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों को काम प्रेरित दूसरा अध्याय तीन और चार वचन को पढ़ेंगे। और उन्हें आग की से जीवे भरते हुए दिखाई दिए और उनमें से हर एक पर आग ठहरे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ हम देखते हैं हर उन्हें आग की सी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया, तो जब इंतजार कर रहे थे पर वो आप पहला वचन पढ़ेंगे। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़े आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। यहां हम देखते हैं जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। इकट्ठा क्यों होते हैं? आज हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर के सबको वोट डालेंगे, है ना, अपने अपने घर में नहीं डाले। हम लोग एक जगह उसके लिए तय किया गया था जिसके चलते हम लोग सब लाइन में गए अपना वोट दिए चले आए, है कि नहीं। वैसा एक जगह इकट्ठा हो करके वे लोग इंतजार में थे कि हमें उस पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। यीशु मसीह जब तक थे उस समय पवित्र आत्मा आया जाया करते थे, यीशु मसीह के पहले भी कि पवित्र आत्मा आएंगे काम करेंगे चले जाते थे, लेकिन एक साथ नहीं यहाँ पर जैसा इन दिनों में हमारा अंदर दे चुका है अभी है, वैसा उन दिनों में नहीं था। यीशु मसीह उद्धार ले जाने के समय बोले मैं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक मध्यस्थ एक जो आप लोगों को तसली देने वाला, आप लोगों को
वाला उस पवित्र आत्मा को भेजूंगा करके उन्होंने भेजा। तब लोग इंतजार में थे, इकट्ठा होकर इंतजार में थे, उस समय देखते हैं अपने आम की सी जीवे फटती हुई दिखाई दी। हालेलुया। और उनमें से हरेक पर आग डहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। हालेलुया। सब पढ़े, ऐसा नहीं एक दो जन नहीं, जितने लोग वहां पर थे सब किसी को परमेश्वर की आत्मा से सब कोई भर है और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। जहां मन है वहां मार्ग है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहता जरूर, लेकिन उसको हम कैसे बाहर दिखते दिखाएंगे, कैसे हमारा अंदर पवित्र आत्मा है करके मालूम होगा। हम क्या करते हैं, अन्य अन्य भाषा में हम बोलने लगेंगे। हालेलुया। अन्य अन्य भाषा में जब बोलने लगेंगे उस समय वो अन्य भाषा देखिए उसमें कितना पांच प्रकार की उसका लाभ क्या है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक और अन्य भाषा की वरदान हमारा अंदर रहेगा, पांच प्रकार की बातों को हम फटाफट आप लोगों को बताने जाते हैं। पहली बात तो बताते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है, हम सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया। हम इधर उधर जाके किसी से बोलने के चले, बहुत लोग क्या करते हैं, माता से, पिता से, उनसे, इनसे, संत से बोल के और हमारे लिए तो प्रार्थना कीजिए करके लोग अभी भी उसी इस पे चलते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारा अंदर आया कि हमारा अंदर कि परमेश्वर क्या कर दिया, डायरेक्ट हमारे लिए यीशु मसीह से, फिर परमेश्वर से बात करने के हमारे लिए लाइसेंस मिल गया। हालेलुया। जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, पर सबसे पहले मैंने क्या बोला, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। कितने लोगों को ये चाहते हैं कि हम सीधे परमेश्वर से बात कर, जरूर हम प्रार्थना करते हैं इसका मतलब परमेश्वर सुनते हैं, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने के समय कोई सुनेगा नहीं, अगल बगल में सुनेगा नहीं, शैतान को सुनेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ रहे ना, शैतान सुनेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। पढ़ेंगे सोचें, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 में क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14 का 2, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। मनुष्य नहीं परंतु वो क्या करता है, परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे कोई समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। भेद की बात, रहस्य के बात वो आत्मा में होकर के बोलेंगे। पहला कदंतियों 14 का 2 कि यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। इसीलिए उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बात आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। रहस्य की बात को क्या करता है, आत्मा में होकर के वो क्या करेगा, परमेश्वर से बात कर सकता है। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना इतना अच्छा है कि कोई हमारा भाषा में समझ नहीं सकता। हालेलुया। ना शैतान समझेगा ना मनुष्य समझेगा। हमारा मन में कई प्रकार की बातें होती होगी, उन सारे बातों को बताने के लिए जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे कोई समझ नहीं। इसका मतलब ये नहीं रोड में हम जा रहे हैं, कहीं दुकान में जा रहे हैं, कहीं माल में एकदम छिना छिरा का काम करने के समय छिला छिलक, नहीं गलत है, लोग समझेंगे नहीं और अब ये और दूसरा समझ लेंगे। मन में भी हम ऐसे ही ऐसे मुंह ये करके हम क्या कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारे लिए क्या लाभ है, पढ़ेंगे प्रेरितों का 4 का 2। पहले बताते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप पवित्र आत्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ
एक रूप हो जाते हैं, यानी पवित्र आत्मा के साथ हमारा तालमेल हो जाता है एक साथ। वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियो 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है। सॉरी सॉरी, प्रेरितों का काम 2:4, वे सब अपवित्र आत्मा से भर गए हैं और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा में उन लोगों का ताल में, उन लोगों का जो ये जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ उन लोगों का क्या हो गया, संगति हो गया, कि वे क्या हो गए, उनके साथ ट्यून हो गए। क्या हो गए, होते हैं ना कि हम लोग बाजा बजाने के समय क्या करते हैं, तालमेल से हम क्या करते हैं, बाजा, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है, कोई उसमें तालमेल नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा और अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन हम लोग एक मेलोडी से, एक जिस कॉर्ड से लिया जाता है उसी ढंग से सब चीज करेंगे, एकदम हारमोनी एकदम सुंदर लगेगा सुनने का। वैसा जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ हमारा तालमेल एकदम एक हो जाता है। हालेलुया, इसीलिए हमें अन्य भाषा बात करने से हमारे लिए इतना लाभ है कि वो हम जब प्रार्थना करते हैं उनका उपस्थिति में, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मर के प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा अंदर जो सामर्थ्य देगा उसे हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ मिल करके उनके साथ एकदम ऐसा हो जाएंगे कि उनके साथ एकदम ट्यून हो जाएंगे, उनके साथ एकदम मिल जाएंगे, बिल्कुल मैंने काम में लोग के उनके संग में रह जाएंगे, हमारा दिमाग इधर उधर नहीं रहेगा। हालेलुया, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे संसार में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो हमें सोचने का जरूरत नहीं है, जब हम अपना अन्य भाषा में प्रार्थना करते 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 रहेंगे कि हमारा तालमेल परमेश्वर के साथ हो जाएगा, यानी हमारा जो है कि एक रूप हो जाता है। क्या लिखा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप पवित्र आत्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं। हालेलुया, साथ हो जाते हैं। पढ़ेंगे तीसरा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपकी आत्मा मजबूत होती है। हालेलुया, बोलते हैं ना कि कोई कोई चीज को घर बनाने के समय या पेंट करने के समय या कुछ काम करने के समय इसमें कुछ ऐसा केमिकल चाहे कुछ कुछ चीज ऐसा ऐड कर दीजिएगा ना, एकदम मजबूत हो जाएगा, बोलते हैं ना। वैसा ही जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे हम परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएंगे, हमें कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। हालेलुया, केमिकल का जो एडवर्टाइजमेंट आता है तो क्या करते हैं, सब कुछ सटा है रहेगा, एक गाड़ी में जा रहा है लोग सब कोई सुबह एकदम सट के वो डेजर्ट में जा रहा है, मरुभूमि में जा रहा है, तो उस समय वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना कि सब कोई ऐसा टाइट में है कि घिर रहा नहीं, बस सील रहा है लेकिन आदमी हिल नहीं रहा। कारण क्या है, फेविकोल का डिवाइस। लेकिन हमारा पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का यानी हम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करेंगे कि हम उनका क्या होता है कि हम मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया, एकदम कोई हमें हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई हमें हिला नहीं सकता है, कोई हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है। हालेलुया, इसीलिए पवित्र आत्मा की यानी अन्य भाषा इतना हमारे लिए जरूरत है कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर में मजबूत होते रहेंगे। हालेलुया, कि आपकी कोई मेरे अपना भवाई में बता सकती हूँ, जब हम समझते हैं कि हम कमजोर हो रहे हैं, जब हम समझते हैं कि हमको प्रार्थना समझ ये नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे, उस समय हम लगेगा कि हम बहुत वीक हो रहे हैं, ऐसे लगने के समय हम क्या करेंगे, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करने लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा पावर, जैसे बूस्ट पीने से एक्स्ट्रा पावर आ जाता है, लोग बोलता है हॉर्लिक्स पीने से एक्स्ट्रा, लेकिन हम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करेंगे हमारा आत्मा में क्या हो जाता है, एक बूस्ट पीने के जैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 14:4, पहला कुरिन्थियों 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया, क्या होता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है अपने उन्नति एडिफाई होते हैं, वे अपने जीवन में उनको क्या होता है, स्ट्रांग हो जाते हैं, उनका स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूत हो जाते हैं। समझे ना, कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे हम मजबूत हो जाएंगे, एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे,
कोई हमें हिलेगा डुलेगा नहीं, कि लगेंगे कि एकदम पतला पैमाने कोनो काम करने फूक करेंगे तो उड़ जाएगा, लेकिन हमारा अंदर पवित्र आत्मा रहेगा क्या होगा, शैतान इतना बड़ा बड़ा तगड़ा शैतान होगा तो डर जाएगा। हालेलुया। इंसान को देखने का समय हमें लगेंगे कि अरे ये तो कमजोर है, ये तो कुछ नहीं है, बेकार है, लेकिन हमारा अंदर वो अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे उस समय क्या होगा कि हम स्ट्रेंथ पाएंगे, क्या पाएंगे, मजबूत होंगे, हमारा आत्मा में एकदम मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं चौथा क्या है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप तभी प्रार्थना कर सकते हैं जब आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें। हालेलुया। अन्य भाषा में एक मदद हमें मिलता है, ठीक है, प्रार्थना करने के लिए बोल दिया गया 1 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटा प्रार्थना करो, 3 घंटा प्रार्थना करेंगे, जिसको प्रार्थना आधा घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पा रहा है उसको कहेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करो, कैसे करेंगे, तब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा से हम प्रार्थना करते रहेंगे, हमें ध्यान दिलाएगा हम लोगों को क्या प्रार्थना करना है, क्या नहीं प्रार्थना, कौन चीज के लिए प्रार्थना करना करके, जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते रहेंगे वो हमें मदद करता है किन किन चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि बस बैठ गए जगह में, बस अब काम करने के समय, सोने के समय और रात में जब भी नींद उठती है, नहाने के समय, झाड़ू लगाने के समय, खाना पकाने के समय, हर समय हम अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते रहेंगे। हमें नहीं मालूम है पवित्र आत्मा हमारा अंदर कोई भी ऐसे बातों को डालेगा, फलाना चीज के लिए प्रार्थना करो, ठिकाना चीज के लिए प्रार्थना करो, हम अन्य भाषा में बोलते रहेंगे तो क्या होगा, अचानक हमारा मन में ऐसे लगेगा कोई शब्द डाल दिया जैसा, तो तुरंत कहेंगे कि फलाना देश के लिए या फलाना कोई आदमी के लिए, इंसान के लिए, वो हम प्रार्थना करने के समय अपने आप याद आने लगेगी, अपने आप याद आने लगेगी, तब हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम लेटे रहे तो मान लीजिए तबीयत खराब हो गया, मान लीजिए कोई परेशानी है, कोई ऐसा काम बैठ रहे हैं, उस समय आप मत सोचिए आप अकेले हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो आप लोगों को क्या करेगा, मदद करेगा, किन किन बातों का पढ़ेंगे, रोमिया 8:26 पढ़ेंगे, ऐसे भी से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आय भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम तो मालूम नहीं किन चीज के लिए प्रार्थना करना है, भूल जाते हैं, कोई कोई लोग आपको भूले होंगे कि दीदी भैया भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, भूल गए होंगे, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा से कहेंगे मैं बहुत चीज भूल गया हूँ, बहुत लोगों ने इतना निवेदन दिया, उस समय आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए कि हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हमें कितना सरल तरीका हमें सिखाता है। हालेलुया। कि हम अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करेंगे कि हमें नहीं मालूम है कोई चीज हम लोगों को बोला होगा, लेकिन वो क्या करेगा, याद दिलाएगा, जब अन्य भाषा में बात करते 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 सब किसी का प्रार्थना निवेदन उसमें आ जाएगा। हालेलुया। इतना सरल तरीका परमेश्वर हमें सिखाया है। हालेलुया। हमें ज्यादा परेशान करने का, ज्यादा कष्ट करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप हमें किन किन बातों के लिए विनती करना है, किन किन बातों के लिए प्रार्थना करना है हम नहीं जाने, आपको मालूम होना चाहिए एक रहस्य बात। वो तो बोलता है, एक व्यक्ति आके बोल रहा था कि हमको मेरे घर में बोलता है तुम प्रार्थना नहीं करता, तुम कठोरा व्यक्ति है, तुम एकदम प्रार्थना नहीं, अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करता है, तुम रोता नहीं है, तुम कठोर व्यक्ति है। मालूम होना चाहिए जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे, हम नहीं जानते हम अपने आप अपने आंख से आंसू निकलने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने पवित्र आत्मा हमारा अंदर से एक ग्रोनिंग स्पिरिट बोलते हैं, एक व्याकुलता के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हमको समझ में नहीं आता होगा उस समय कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्यों रो रही हूँ, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहने के समय जब हम अन्य भाषाओं में जब प्रार्थना करेंगे, आप उस अनुभव को जरूर प्राप्त करके देखिएगा कि उसमें हम चली जाएंगे और हमें दुनिया में कोई चीज का मतलब नहीं रहेगा।
जब तक इंसान उस पवित्र आत्मा का अभिषेक में होके प्रार्थना नहीं करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक उनको डिस्टर्ब रहेगा। कभी वो याद आ जाएगा, कभी ये काम याद आ जाएगा, कभी वो कुछ याद आ जाएगा, अरे कोई आने वाला है, स्टोव में दूध रख के आ गए, फिर ये रख के आ गए करके कभी कभी हम उसको सोच में पड़ जाते हैं। जब हम प्रार्थना अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, इसका मतलब ये नहीं सब छोड़ चढ़का करके बैठ के प्रार्थना करो, सारा काम याद दिलाएगा। तो हमें बुद्धि से भी काम करना चाहिए, बताया नहीं ऐसा मत सोचना है, लेकिन आप अन्य भाषा में जो प्रार्थना करेंगे, कितना भी बड़ा तगड़ा आदमी हो सकता, कितना भी बड़ा बदमाश हो सकते हैं, कितना भी पत्थर से पत्थर आदमी हो सकता है, पहाड़ जैसा भी आदमी हो दिल हो सकता है, उसको निकाल देगा। हालेलुया। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करेंगे, पत्थर जैसा दिल को भी परमेश्वर छू 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 कर देगा। जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक में जब होकर के अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करने लगेंगे, हमें परमेश्वर की आत्मा हमारा अंदर से एक रोने का एक ऐसा अनुभव देगा कि हम समझ में नहीं आएगा कि क्यों रो रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर से देश के लिए, पापियों के लिए, अपने घर वालों के लिए, जो नरक में जाने वालों के लिए, जो बीमार है, जो परेशान में कष्ट में है, तो उन लोगों के लिए वो क्या करता है, ज्ञान दिला करके प्रार्थना कराता है। हालेलुया। इतना अनुभव जब हम प्राप्त कर लेंगे, प्रार्थना करने के लिए कोई भी आदमी पिछकेगा नहीं, अरे क्या प्रार्थना करे ऐसे कभी नहीं सोच सकता है। आप अन्य भाषा का उस वरदान परमेश्वर से मांग के देखिएगा, जब हमारा अंदर उस पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, अन्य भाषा के पर आखिरी हम देखते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शत्रु के कार्यों को विरोध का एक हथियार है। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना शत्रु का कार्य क्या, यानी उनका जो कामों के विरोध एक हथियार है। शत्रु जो शैतान है, वो हमें नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए, वो कई प्रकार के हमारा पीछे पड़ा रहेगा। जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे, शत्रु का काम हमारे विरोध में काम करने के लिए वो बहुत प्लान बनाया होगा, आज इसको छोड़ेंगे नहीं, आज ऐसा करेंगे, आज उसको ऐसा करेंगे, इनको उठा मार देंगे, इनको ऐसा फंसा देंगे, गलत करा देंगे, उस हथियार को मारने हमें अनजान से हमारे विरोध में शत्रु क्या करेगा, हमें पाप में गिराने के लिए, चाहे परमेश्वर से दूर करने के लिए, या कुछ एक्सीडेंट, चाहे कुछ ऐसे बातों को डाल करके हमारा ऊपर क्या करेगा, हावी करने के लिए वो इंतजार में कर रहेगा। उस समय आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिएगा ना, आपको मालूम नहीं शत्रु शैतान भागेगा। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मार्क 14:15-16 दिया है, 15:16-17 मार्क मरकुस 16 अध्याय 15:16-17। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास से करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। परमेश्वर के नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्मा, यदि हमारा अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक और अन्य भाषा की वरदान रहेगा, दुष्ट आत्मा को हम निकाल सकते हैं। और नहीं नहीं भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वरदान, उस अन्य भाषा बात में हम लोग जब प्रार्थना करेंगे कि नाश होने वाले वस्तु को भी लोग हमें गलती से भी पिला दिया या हमको मारने के लिए भी दे दिया तो हम नहीं मरेंगे। हालेलुया। राधु सुंदर सिंह करके बहुत बड़ा परमेश्वर के दास थे, वो प्रभु को ग्रहण करने के कारण उसके घर के लोगों को बहुत बड़ा अपमान हो गया था, जिसके चलते उसके पिताजी उसका माँ क्या किए, उसको खाना में विष डाल करके दे दिए थे, खा करके मर गए, मर जाने थे, लेकिन वो गए प्रार्थना किए खाए, लेकिन वो उसको परमेश्वर ओलंबिया जरूर वो रिएक्शन हुआ था, उल्टी हुआ, कुछ कुछ हुआ, लेकिन वो मरे नहीं। हालेलुया। ऐसे भी वस्तु लेकिन जान बुझ के नहीं खाना, कि हम शत्रु को अपने आप को सौंप देंगे।
अनजान से गलती से कोई दे दिया या हमें मारने के लिए शत्रु क्या करेगा ऐसा कुछ प्लान बना कर देगा, वे हाजिर बजरी मारा नहीं। हालेलुया, हमारे विरोध में तंत्र मंत्र करके ऐसा करेगा, इस ज्यादा दिन नहीं गिने देंगे, मर जाएगा। और लोग ऐसे करते हैं लेकिन उल्टे में उलट थामते रहे। आज एक परिवार में मिलने गए थे, वे लोग बोल रहा था कि उस बहन प्रवेश मसीह को ग्रहण करने के बाद उसके पति जो है वो अपना भगवान में वो पहले उतना पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ा हो गए। जो व्यक्ति पूजा पाठ करते नहीं थे उतना ज्यादा भक्ति नहीं करते थे, पत्नी प्रभु को ग्रहण करने के चलते अपना में ज्यादा एकदम विश्वास में हो गए थे, ज्यादा पूजा करना, वो करना, ये करना, बहुत करने लगे। फिर उसके बाद वो कुछ भी काम करते थे वो काम असफल हो रहा था। बाद में वो हार मान भी करने लगे कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन तुम्हारी माँ जीत में मैं हार गया, वो मान लिया। हालेलुया, वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ कुछ करके इनको वापस अपने पास ले लेंगे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। हालेलुया, उसने हार किया है। हमारे अंदर उस पवित्र आत्मा का अभिषेक, अन्य भाषा में हम बात करेंगे, शैतान का क्रिया को नष्ट करेगा। हालेलुया, और उसको हम लोग पढ़े पहले से हम देखेंगे अन्य भाषा में बात करने से कि हमारा क्या क्या लाभ है। सबसे पहले मैंने बताया अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया, दूसरा मैंने बताया अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप पवित्र आत्मा के साथ एक रूप तालमेल हो जाते हैं, और तीसरा अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपकी आत्मा मजबूत हो जाता है। हालेलुया, और चौथा अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप तभी प्रार्थना कर सकते हैं जब आप भी नहीं जानते हैं किन किन बातों के लिए प्रार्थना करना है। उस समय क्या होगा, हमें वो मदद करेगा किन किन बातों के लिए प्रार्थना करना है करके पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। पांचवा अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शत्रु के कामों को उसके विरोध में एक हथियार के समान है। हालेलुया, हमें लड़ने का जरूरत नहीं है, काट फूटने का जरूरत नहीं है, अपने ताकत दिखाने का जरूरत नहीं है, तलवार उठाने का जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा वो अपने काम करेगा। मेरे एक वो वाला भाई थे, वो प्रवेश मसीह को ग्रहण कर लिए, वो जर्मिंगाइट परिवार के थे, वो ब्राह्मण बराबर है, वो यहाँ कर्नाटका में। वो प्रवेश मसीह को ग्रहण करने के बाद उसके भाई लोगों ने उनको मारने के लिए प्लान बनाया। तीन उनका भाई थे, उसको पक्का हिंदू थे, वे क्या किए, बड़ा बड़ा तलवार जिसको जिसको प्रभु में लाया उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उस पास्टर को भी मारेंगे करके प्लान, ऐसा प्लान बनाया। तब तक उनको मालूम हो गया कि मेरे घर में ऐसे हो रहा हो, क्या किए, अपना कपड़ा को क्या जो घर का पहना हुआ था कपड़ा उसी को पहने हुए एक पैंट एक शर्ट का ऐसा मुड़ के अपना इसमें रख करके वहां से वो भाग निकले। जब भाग रहे थे उनके पीछे पीछे उनके भाई लोग क्या किए, इसको छोड़ेंगे नहीं, जरूर उसी पास्टर के पास गया होगा करके वो लोग रास्ते में जा रहे थे। जाने के समय ऐसा हो गया कि तलवार लेकर के भाग रहा था उनका, एक जन का हाथ ऐसे ही हो गया, एक जन को गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है ना, एक जन का और कुछ हुआ, डर गया लोग, बाप रे बाप, इनके विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हमारे विरोध में शत्रु जरूर आएगा हावी करने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे बहुत बड़ा हथियार है। हालेलुया, हमें हथियार लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे हथियार से शैतान को मार गिरा सकते हैं। हाँ, सब कोई इस वक्त प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, जितने लोगों से प्रभु से कहिए मुझे चाहिए उस पवित्र आत्मा का अभिषेक, उस अन्य भाषा की वरदान हमें चाहिए परमेश्वर, जिससे परमेश्वर हम प्रार्थना करके अपने परमेश्वर मजबूत हो सके और हम आपके साथ परमेश्वर एकता साथ हो सके। प्रभु जी हमें सहायता करके आइए सब कोई प्रार्थना करेंगे। Thank you.
और इंद्र अलग 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 शक्कर अलग तेरे बराबर।